दोस्तों, जब हम फेसबुक मैसेंजर पर किसी से चैटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा गुस्सा हमें कब आता है, जब किसी से हम चैटिंग कर रहे हैं और हम ऑफलाइन हो गए, या मतलब हम कुछ टाइम के लिए चले गए या ऑनलाइन नहीं हैं, और कोई हमें मैसेज सेंड करता है और हमारे सीन करने से पहले ही उनको डिलीट कर देता है। जैसे अब मुझे कोई मैसेज करता है मैसेंजर में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस तरह से मतलब डिलीट कर देता हूँ उन्हें पढ़ने से पहले ही। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है और हम काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कि ऐसा क्या लिखा था इसने, जो मतलब हमारे सीन करने से पहले ही, हमारे पढ़ने से पहले इसने डिलीट कर दिया। हम काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह के डिलीट हुए मैसेज आप कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप मैसेंजर पर किसी से चैटिंग कर रहे हैं और आप ऑनलाइन नहीं हैं, किसी ने आपको मैसेज सेंड किए और आपके सीन करने से पहले ही उनको डिलीट कर दिया, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं करना क्या है, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम है नोटिसेव। ये आपको प्ले स्टोर में भी काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। तो नोटिसेव को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें करना क्या है, इसको साइड में स्लाइड करना है, इस तरह से स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, ये परमिशन हमें अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद अब इसको हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आएंगी, तो इसको हमें नोटिसेव पर ओके करना है और ये नीचे परमिशन हमें अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद यहाँ से हम हो जाते हैं बैक। बैक होने के बाद ये हमारा नोटिसेव ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब इस तरह से ये शो होने लगेगा। शो होने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल ऐप, तो ये ऑल ऐप जो लिखा हुआ है इस पर हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद वापस से इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद अब हमें जाना है अपने मैसेंजर में। यहाँ पर मैसेंजर ढूंढ लेंगे हम, ये देख सकते हैं सबसे नीचे आ रहा है मैसेंजर, तो मैसेंजर पर हम इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद अब इसको यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं हम अपना नोटिसेव, तो ये रहा नोटिसेव, यहाँ पर इनेबल है। अगर यहाँ पर आपका इनेबल ना हो तो इसको इनेबल कर दीजिए, अगर आपका डिसेबल है तो इसको इनेबल करने के बाद हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से शो होने लगेगा। तो यहाँ पर चैटिंग देखते हैं हम, ये देख सकते हैं अभी हमारा इनबॉक्स बिल्कुल खाली है, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद अभी तक हमने किसी से चैट नहीं की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल खाली है। तो अब इसको हम चले जाते हैं बैक। बैक होने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, हम जाते हैं अपने मैसेंजर में। मैसेंजर में जाने के बाद ये देख सकते हैं ये जो मैसेज है यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये डिलीट है। तो अभी तो हम इनको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मतलब ऐप अभी हमने इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेज सेंड करेंगे, तो मैं इस आईडी में जाकर मैसेज सेंड करता हूँ, दूसरी आईडी में जाकर वहाँ से इसको मैसेज सेंड करता हूँ। तो मैं लाइट मैसेंजर में भी आईडी ओपन कर सकता था, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मतलब डिलीट का ऑप्शन नहीं आता दोनों तरफ से, तो ये मुझे डबल मैसेंजर इंस्टॉल करने पड़े। तो यहाँ पर मैं मैसेज मतलब करता हूँ, कोई मैसेज सेंड करता हूँ, जैसा हाय हेलो। तो यहाँ पर जैसे मैंने मैसेज सेंड किए, मैसेज सेंड करने के बाद अब मैं इनको कर देता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैसेज आ चुके हैं, ये देख सकते हैं हाय हेलो। अब मैं वापस से इसी आईडी में जाता हूँ और यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये मैंने डिलीट कर दिए। अब मैंने कर दिए इनको डिलीट, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर हो चुके हैं डिलीट। अब यहाँ पर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब हम सीन नहीं कर पाते और कोई डिलीट कर देता है, कि इसको कैसे पढ़ें। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब इसको हम पढ़ नहीं पाते। अब हमें करना क्या है, अगर किसी ने इस तरह से मैसेज सेंड करके आपको डिलीट कर दिए, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है नोटिसेव में। तो नोटिसेव में जाने के बाद अब यहाँ पर इस तरह से मतलब ये देख सकते हैं जो भी जिसकी भी चैटिंग होगी उसका नाम आ जाएगा और उसकी चैट आ जाएगी, देख सकते हैं हाय हेलो, मतलब वहाँ से डिलीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी शो हो रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर कोई हमें मैसेज सेंड करके डिलीट कर लेता है तो यहाँ पर वो सेव ही रहते हैं। आपको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोई मैसेज सेंड करता हूँ और इसको कर लेता हूँ वापस से डिलीट। तो डिलीट करने के बाद अब मैं जाता हूँ इस वाले मैसेंजर में, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं डिलीट ही आ रहा है। अब मैं जाता हूँ अपने नोटिसेव में, तो ये देख सकते हैं नोटिसेव में अभी भी ये सेव है मैसेज, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। तो
तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है गाइज। यहाँ पर आप अगर इसको इंस्टॉल करेंगे और आपको कोई मैसेज सेंड करके मतलब आपके सीन करने से पहले ही डिलीट कर देगा, तो उसके डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उसको काफ़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता रहूँगा इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।